हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज सूर्यफांसी राठौर वापस आया है एक नए वीडियो के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी कि सूर्यफांसी जी आप ये बताइए कि इंस्टाग्राम पे आईडी कैसे बनाए, आईडी बनाने के बाद अपने इस आईडी को बिजनेस प्रोफाइल पे कन्वर्ट कैसे करें। तो आज मेरा मेन फोकस रहेगा कि सबसे पहले आईडी कैसे बनाते हैं, उसको मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा आप लोगों को उस आईडी को बिजनेस अकाउंट में कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइस वेट करिए, अब आते हैं अपने नेक्स्ट। सो गौर फरमाइएगा, सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें जाना है अपने प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जाके हमें सर्च करना है इंस्टाग्राम। जैसे ही आप इंस्टाग्राम को सर्च करोगे आपके सामने ये आ जाएगा। आप इसे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आता है, जैसे आप इसे इंस्टॉल करते हो आपके यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद एक ओपन का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही ये इंस्टॉल आपके मोबाइल में हो चुका है, इंस्टॉल होने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको अपनी आईडी बनानी है। इंस्टाग्राम पर लोगो कुछ इस तरीके का आएगा, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपनी एक बेसिक आईडी यहाँ पे बनानी। जैसे ही आपने अपनी आईडी बना ली है, एक आईडी लगाने बहुत सिंपल स्टेप था। जैसे ही आईडी आपकी बन चुकी है, आईडी बनने के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो आपको सभी लोगों को करना होता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। जैसे कि आप सभी लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। कैसे, आपको सबसे पहले मैं ऑप्शन के बारे में बता दूं। यहाँ पे ऐसे कुछ फेमस लोगों के आपके पास स्क्रीन्स आते रहेंगे, आपको उनको देखना है कौन कैसा है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है आपके नीचे, सबसे नीचे एक दिया गया बटन जिसमें आपकी फोटो दिखती है, यहाँ पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल को पूरा पूरा एडिट करना है। सबसे पहले आपको एक अच्छी प्रोफाइल फोटो लगानी है। सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छी अपनी प्रोफाइल फोटो लगानी है, जैसा कि आप यहाँ पे, मैं अपनी लगाने वाला हूँ न्यू प्रोफाइल पिक्चर। जैसे यहाँ पे गैलरी में आ रहा है मेरे पास, मैं जाता हूँ गैलरी। जैसे कि मैं मेरी फोटो ये लगाने वाला हूँ, राइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपना हाफ फेस दिखाना है, मतलब आपको 60% आपकी शोल्डर से वो रहना चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी ये करा, मैंने एक अपनी अच्छी सी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगा दिए। नेक्स्ट, आप सभी को मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का जो ऑप्शन आता है, इस एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन जाके आपको अपने बायो को फिल करना है, जिसके बारे में आपको अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे अपने बायो को फिल करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हो कि इंस्टाग्राम से बिजनेस कैसे ग्रो किया जाए। उस वीडियो पे आपके बेसिक चीजें मिल जाएंगी कि कैसे ये चीजें यहाँ पे डाली जाए। वेबसाइट जो आपको मैंने बताया था, वेबसाइट लिंक कौन सा आपको मैं बता दूं, स्टार्ट सर्वे पे जाके जो आपने लिंक बनाया था, इस लिंक को ही आपको यहाँ पे जाके कॉपी करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा शेयर पे जाके मैं आपने लिंक कॉपी किया और उसी लिंक को मैंने अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है बायो के अंदर। मैं अभी आज के लिए लिखना चाहूंगा ओनली SSR। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे बायो में क्या लिखना है। आप एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो, एंटरप्रेन्योर, ऐसे काफी सारी चीजें आप लिख सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर, ऐसे कई चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपके बिजनेस रिलेटेड है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे अपने बारे में, ठीक है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जैसे आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक करोगे, मतलब आप अपने बिजनेस अकाउंट पे अकाउंट क्रिएट करने वाले, जैसे आप यहाँ कंटिन्यू करोगे कुछ चीजों को, वैसे ही आपके सामने कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एज एंटर। अब मैं बताना चाहूंगा, आज सूर्यभंसी राठौर इज एंटरप्रेन्योर, उसने एंटरप्रेन्योर पे क्लिक किया और टिक कर दिया डन। जैसे ही मैंने इस चीज को डन किया, अब आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये चीज आपको दिखने लग जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आर यू अ क्रिएटर और अ बिजनेस,
फाइंड द बेस्ट, ठीक है, आपको यहाँ पर बिजनेस पे जाना है और नेक्स्ट कर देना है. जैसे आप नेक्स्ट करोगे, अब आपको यहाँ पे अपने बिजनेस डिटेल्स के लिए आपकी मेल आईडी मांगेगा. अब यहाँ पे मेल आईडी डाल दो मेरी, जो मेल आईडी अभी तो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है. बिजनेस एड्रेस आपको कोई भी अपना जो खुद का एड्रेस है आप दे दीजिए, क्योंकि लोग आपसे इस पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे. जैसे आपने अपनी डिटेल्स फिल कर दी है, नेक्स्ट. अब आपको पूछता है कनेक्ट टू फेसबुक. हाँ, आपको बिल्कुल फेसबुक से कनेक्ट करना है, लॉग इन टू फेसबुक भी करना है, जिससे आपका बिजनेस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है. बट हाल फिलहाल मैं उसको उस चीज को स्किप कर रहा हूँ, तो स्किप करके भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ. नेक्स्ट, गेट इंस्पायर्ड. जैसे आप देख सकते हो, आप इन लोगों जिनसे भी आप इंस्पायर्ड हो उनको आप फॉलो कीजिए. जैसे आप एसलीपीएस वेलनेस के पेजेस फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स के पेजेस फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ पे काफी सारे लोगों की काफी सारी चीजें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो. जैसे आपको सबसे पहले अपने पोस्ट क्रिएट करना है. जैसे पोस्ट की बात करूं, मैं अपनी ही एक फोटो आपको एक एज एग्जाम्पल लगा के दिखा देता हूँ. जैसे ही मैंने अपनी फोटो डाली, यहाँ पे राइट अ कैप्शन, इट्स द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन. राइट टाइम टू टेक डिसीजन. अब जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कैप्शन डाल दिया है, राइट. अब लोग देखेंगे किस चीज का डिसीजन, आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है. नेक्स्ट, आप कुछ डॉट्स लगा के यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे, मैं आपको बताता हूँ, हैशटैग्स, हैशटैग MLM, ठीक है, हैशटैग एंटरप्रेन्योर, हैशटैग लाइफस्टाइल, जो आज आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं. ऐसे आप कई सारे हैशटैग यहाँ पर अपने यूज कर सकते हो. जैसे मेरा हैशटैग है हैशटैग SSR, जिसको मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, हैशटैग टीम SSR, राइट. ऐसे मैं कुछ अपने हैशटैग प्रमोट करता हूँ. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट टैग करो. जैसे यहाँ पे किया, विवेक डाला मैंने, ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को टैग कर दिया. BSR सर की बात करूं, आप BSR सर को टैग कीजिए. आपको बात करूं कोच, ठीक है, आप मोटिवेशनल लोगों को टैग कीजिए. मतलब आप जितना हो सके अपने अपलाइन को टैग कीजिए. मैं अपने आप को टैग करता हूँ, सूर्यभान सिंह SSR. आप जितना हो सकते अपने लोगों को यहाँ पे टैग कीजिए. जैसे आप टैग कर दोगे कंप्लीट, आप उसको टिक कीजिए, अपनी लोकेशन डालिए, और लोकेशन हमेशा अच्छी डालिए जो कि आपकी करंट लोकेशन में लोगों को इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन लगे, ठीक है. ऐसा नहीं डालो जैसे भोला था या जो भी समथिंग अपना ठिकाना. आप अगर लक्ष्मणगढ़ में है तो लक्ष्मणगढ़ सेक्टर राजस्थान, ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट अ प्रमोशन. अगर आप पे करके एड बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन हमें प्रमोशन नहीं करना, हमें अपना बिजनेस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है. आप देख सकते हो आपका यहाँ पे अकाउंट के ऊपर आपकी पहली आप सभी लोग देख सकते हैं, आपकी पहली पोस्ट बनके तैयार हो चुकी है और आपके सामने ये पोस्ट आ भी चुकी है. अब आपको जैसे ही गैदरिंग्स कैसे आएंगी आपको बताना चाहूंगा. जो मैंने हैशटैग की बात की थी, हैशटैग इंटरप्रेन्योर पर क्लिक कीजिए. आप जैसे ही हैशटैग इंटरप्रेन्योर पर क्लिक करोगे, आप देखोगे 80 मिलियन लोगों ने अपनी पोस्ट यहाँ पे डाली है, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद आपकी फोटो भी यहाँ पे आ सकती है, राइट. तो इसीलिए हमें हमेशा ये चीजें प्रमोट करनी चाहिए. आप देख सकते हो, नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट, ठीक है. जैसे आप मोटिवेशन कोड देख सकते हो, इसे आप कोट कर सकते हो. आप देख सकते हो, आप इन लोगों ने भी, जिसने इस पोस्ट को किया है उस इंसान ने भी यहाँ पे अपने हैशटैग्स यूज किए हैं, इसी वजह से उसकी प्रोफाइल, इसका पोस्ट बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है. ऐसी आपकी बात करूं, जैसे जिन लोगों को आप टैग करोगे वो लोगों को भी आपकी पोस्ट दिखेगी, वो लोग भी आपकी पोस्ट को देखेंगे. यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके भी स्टेप्स बाकी हैं, आपको स्टेप्स अपने कंप्लीट करने. कैसे? नेक्स्ट, ग्रो योर ऑडियंस. अब ग्रो आप ऑडियंस कैसे करना चाहते हो, वो आप अपने माध्यम से कोई भी कर सकते. जैसे आप फॉलो यू नो, ठीक है, आप जिन लोगों को जानते हो उनको एक को फॉलो कर लो, कुछ लोगों को फॉलो करो, जिससे आपको आपकी ऑडियंस यहाँ पे जान पाएगी. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे लोगों की प्रोफाइल आ चुकी है,
आप किसी भी प्रोफाइल के ऊपर जाके क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। जैसे आपने यहाँ पे टिक कर दिया, इन शॉर्ट आपने तो थर्ड से भी कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हो नेक्स्ट है शेयर कंटेंट विद टू व्यू साइट्स, क्रिएट पोस्ट। अब व्यू साइट्स पे भी आप एक सेम ऐसे कुछ पोस्ट बना के अब डाल दीजिए। जैसे आपने पोस्ट बनाया, जैसे आपने फिर से इस पोस्ट को बना के सेम सारी चीजें फिल करके आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपने अपने पोस्ट और डाल दिया। अब देख सकते हो आपका स्टेप्स और भी कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सप्लोर टूल्स, आप देख सकते हो आपको कौन कौन से टूल्स मिलते हैं यहाँ पे, आप उसको क्लिक कर दीजिए। आपका फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। आपको टोटल 3 पोस्ट बनानी होती है अपनी बिजनेस रिलेटेड। जैसे ही आपने 3 पोस्ट बनाई, आपको बनाते ही आपका ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। आप ये को गौर फरमाइएगा, आप सभी लोग, आपके सामने मैंने अभी जस्ट अकाउंट बनाया था और मुझे एक पर्सन ने फॉलो भी कर लिया MLM I करके, राइट। तो ये होती है हैशटैग्स की पावर। गौर फरमाइएगा, मैंने अभी तक इस कंटेंट पर कुछ भी नहीं डाला ऐसा, लेकिन आप देख सकते हो लोगों के एंगेजमेंट अपने आप ऐसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब वहां पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जैसे चाहें अपने इस आईडी को यूज कर सकते हो। इस आईडी पर अगर आप अपना चाहते हो आपको डैशबोर्ड चेक करना, तो आप अपने डैशबोर्ड चेक कर सकते हो, अपने अकाउंट चेक कर सकते हो कि आपके प्रोफाइल पे कितने लोगों ने विजिट किया, क्या आपका स्टेटस है अभी तक, राइट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।